हेलो फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन की बात करूंगी। आज मैं लीवर की बात करूंगी। फैटी लीवर आपने बहुत बार में सुना होगा, वो क्या लीवर कमजोर है ये भी सुना होगा, कई बार सुना होगा, कई लोगों में भी सुना होगा। आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी कि हमारे लीवर को हम स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या यूज में लेना चाहिए, जैसे कि हमारा फैटी लीवर नहीं हो और लीवर डिटॉक्स होता रहे। तो आज उससे पहले बात करूंगी कि लीवर का जो है वो क्या क्या करता है और उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि लीवर होता कहाँ है। सबसे पहले राइट साइड में होता है लीवर, तो राइट साइड में होता है। तो राइट साइड में अगर हमें पेन वगैरह रेगुलर रहता है तो हमें लीवर की जांच जरूरी कराना चाहिए। इसके अलावा उसके हमारा पेट वहां से बैली बड़ी हुई होती है, तो भी देखा होगा कि हम जब अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो फैटी लीवर आता है, वो डिग्री में आता है, फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री। अगर समय पर हमें अपने रोग का पता चल जाता है तो हम उसका निवारण कर सकते हैं। तो इसका समय पर अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए, खाना वगैरह नहीं पचे या घी वगैरह नहीं पचे तो। इसके अलावा डाइजेस्टिव जूसेस, इसके बहुत सारे लीवर के काम है। अपन सोचते हैं कि लीवर के एक छोटा ऑर्गन है और ये क्या काम करता होगा, जबकि ये ट्राइंगल शेप का होता है, राइट साइड में होता है और ये हमारे बहुत बड़ा भाग लेके रखता है ब्लड का। और ये जैसे चिपकली की पूंछ कैसे होती है वैसे रीजनरेट होता है, कटता है और वापस अपने आप को बना लेता है। लेकिन अगर हम अल्कोहल वगैरह की मात्रा और या फिर फास्ट फूड की मात्रा बहुत ज्यादा लेते हैं और एक्स्ट्रा फैट वगैरह हम बहुत ज्यादा लेते हैं, जो नॉनवेज वगैरह ज्यादा लेते हैं, तो लीवर पे ओवरलोड पड़ता है, जिससे रीजनरेशन की इसकी प्रोसेस है वो भी कम हो सकती है। इसलिए इन बातों का ध्यान रखिए जितना उसके कम से कम ले। इसके अलावा ये डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह को भी बनाता है, जो बाइल सिक्रेशन है वो भी काम करता है। इसके अलावा रीजनरेशन टिव ऑर्गन है तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा ये मेडिसिन वगैरह जो होती है उसका जो नेगेटिव इफेक्ट होता है उसको भी वो ये बाहर फेंकता है, तो इसके लिए फिल्ट्रेशन का भी एक तरह से काम करा। इसके अलावा न्यूट्रिशन सेंटर है एक तरह से, क्योंकि लीवर की वजह से ही हमारा फैट वगैरह है जो वो एक्स्ट्रा होता है, चर्बी होती है वो बढ़ती नहीं है और वो पचा लेता है घी वगैरह जो भी है। इसके अलावा डिटॉक्स जो है करता है ये हमारे शरीर को, तो हमारे अल्कोहल वगैरह हो सके जितना अवॉइड करना चाहिए। ये सिक्योरिटी भी करता है क्योंकि ये हमारे फिल्ट्रेशन भी कर रहा है, लीवर के अपने सर ऊपर वाले ऑर्गन को भी ये सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा ये सब चीजें करने के बाद ये बाइल सिक्रेशन कर रहा है कि खाने का जितना भी जूसेस वगैरह बना रहा है ये बना रहा है, उसको पचा रहा है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट ऑर्गन है पेट का, तो इसका आपका ध्यान रखिए। इसके अलावा ब्रेन साफ, इसका अगर ये अगर लीवर स्ट्रांग रहता है तो हमारा उसका इसका खुद का भी एक तरह से ब्रेन होता है, क्योंकि ये खुद को अब खाना क्या पचाना है, कितना भारी भारी भी पचाना है, वो यही काम करता है। इसके अलावा फ्यूल की तरह काम करता है, हमारा जितना भी अगर हम व्रत वगैरह रखते हैं तो लीवर का जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी बर्न होता है, तो ये एक फ्यूल की तरह भी काम करेगा, वो एक्स्ट्रा जो है चर्बी उसकी कम होगी, तो अच्छा ही रहता है व्रत वगैरह करना कभी कभी। इसके अलावा ये केमिकल जो है जो भी हमारे शरीर में जरूरत होती है उसके सब काम करता है, तो लीवर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारे शरीर का। इसके लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए जिससे कि लीवर हमारा फिल्टर होता है, एप्पल साइडर विनेगर वो सुबह एक चम्मच ले सकते हैं, वो भी गर्म पानी में, जिससे कि हमारा फैटी लीवर वगैरह नहीं आए। इसके अलावा लेमन वाटर, जो चीज हमें सूट करे वही लेनी है, लेमन वाटर लेना है। लेमन वाटर में अगर शहद सूट करती है और वो ओरिजिनल शहद है तो फिर हमें काम में लेनी है, वरना शहद को काम में नहीं लेना है। इसके अलावा ग्रीन टी है, हर्बल टीज है, आंवला है, विटामिन सी वगैरह के सोर्सेज है, कच्ची हल्दी वगैरह है, ये सब हमें जरूर लेनी चाहिए। लीवर हमारा तकलीफ में आ गया है, इसका हमें देखने से कैसे पता चलेगा, तो पीली आंखें होगी, पीला पेशाब होगा, खुजली वगैरह आना, वजन कम होना, कोई दवाई नहीं लगना, या कोई भी जो सिम्टम है वो अजीब सा लगे वो हो सकता है वो लीवर का सिम्टम हो। इसलिए हमें समय पर रहते हमारे डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, खाना वगैरह नहीं पचे ज्यादा। तो आई होप ये जानकारी भी आपको कई सारे लाभ देगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिना ना जाए। बाय बाय।